पीसीएस का फाइनल रिजल्ट जारी। कानपुर का कुलदीप वर्मा शिक्षा विभाग में 73वीं रैंक पाकर शहर का किया नाम रोशन। मूल रूप से घाटमपुर निवासी कुलदीप वर्मा का चयन पीसीएस में हुआ है। आज आए इस अंतिम रिजल्ट में कुलदीप वर्मा को शिक्षा विभाग में 73वीं रैंक प्राप्त हुई। मूल रूप से घाटमपुर निवासी कुलदीप वर्मा ने बताया वे बराबर शिक्षा में लगे रहे और आगे बढ़ते की लगातार मेहनत करते रहे। उनका लक्ष्य पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करना था। कुलदीप वर्मा के पिताजी किशनलाल वर्मा किसान हैं, वहीं माताजी ज्योति रावत गृहिणी। उन्होंने बताया इस पूरे प्रयास में उनकी पत्नी ज्योति रावत का भी अहम योगदान रहा। उनकी शादी 2 वर्ष पूर्व ज्योति रावत से हुई थी। वह बराबर मेहनत करते रहे और साथ ही साथ पठन पाठन के कार्य में रुचि होने के कारण स्वयं तैयारी की और उन्हें सफलता मिलती रही। आज आए अंतिम परिणाम ने उन्हें उनके मंजिल तक पहुंचाने का कार्य किया। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके मित्र सौरभ और बाकी कई मित्र गुरुजनों का भी उन्हें सहयोग बराबर प्राप्त होता रहा। आगे उन्होंने बताया वह समाज से यही अपील करते हैं कि आगे बढ़े, उन्नत करें और जिस चीज़ को चाहते हैं वहाँ दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लगे रहें। जो बच्चे के कार्यों में मदद चाहते हैं वह जरूर मदद करेंगे। कानपुर से अभय ठाकुर की खास रिपोर्ट। कितने वर्षों की मेहनत की और कैसा प्रतीत हो रहा है? जी 3 साल लगातार मैंने मेहनत की जिसका परिणाम ये है। इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ अपने माता पिता और अपनी वाइफ के सहयोग का भी बहुत आभारी हूँ। हमारे विवेक सर हैं, सौरभ छोटा भाई है, इन लोगों ने भी बड़ी मदद की और मानसिक सपोर्ट किया। बराबर हमें प्रेरित करते रहे कि सर आप पढ़िए, जिसका परिणाम है कि हमारा चयन हुआ। पीसीएस सेवा में ही जाने के लिए तो दिमाग में आया शुरुआत से कि पीसीएस सेवा में ही जाना। पीसीएस की परीक्षा एक ऐसी परीक्षा है जो बहुआयामी है। आप अपना सहयोग समाज के किसी भी वर्ग के साथ जुड़ के कर सकते हैं, समाज के कमजोर वर्गों की मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी विद्यार्थी होता है जब वो पढ़ाई शुरू करता है उसका एक अचीवमेंट होता है, ये सोचता है कि नहीं हम कभी आईएएस पीसीएस बनेंगे, जिसमें हमारा 2018 के पीसीएस में अंतिम चयन हुआ है। बात की जाए अगर आपके पहले के समय उसमें चयन होने से पहले कहाँ था, तो जो मैं पता चला आप सेवाएँ दी थी, कहाँ सेवाएँ दी थी? हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही थे, शिक्षा विभाग में थे, परंतु हम उस जॉब से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हमने और मेहनत की और अच्छा किया। और जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि वो लगातार लगे रहें। पीसीएस की परीक्षा एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे लगातार लगे रहें तो उनका होगा।